किण्मेजंतः इस अधिकरण का नाम अन्वयाधिकरण। पूर्व पक्षी पहले आक्षेप करता है कृत शब्द मेजंत का विशेषण है या विशेष है, कैसे संबंध करेंगे आप? कृत शब्द है ना, कृत्य प्रत्यय संज्ञा है, प्रत्ययों का संज्ञा है, अत्यंत विधि ने प्रत्यग्रहण अत्यंतग्रहणम। तो अब वे पूछ रहा है कथम इधम विज्ञाते कृद्यो मकारांत इति औसित कृदंतम यद मकारांतम इति, कैसे घटाना? कृत्यो मकारांतम ऐसा करो, अथवा कृदंत जो मकारांत ऐसे व्याख्या करोगे, क्या करोगे? यहाँ किंचाता सिद्धांती पूछता है इस विचार, ऐसे विचार करने का क्या लाभ है? यदि विज्ञायते कृद्यो मानती कार्यांच कार हार्यांच इत्यत्र न प्राप्नोति, यदि ऐसा आप समास करोगे कृत जो मानत कृत जो मकारांत, फिर कारयाम में नहीं बन पाएगा। कारयाम चकार कार्याम का अभ्य संज्ञा नहीं होगा, अभ्य संज्ञा नहीं होगा आगे वो प्रत्येक लुक नहीं होगा, तो क्री का अनुप्रयोग कैसे होगा? फिर इसे कहते हैं कार्यांच कार हार्यांच इत्यत्र न प्राप्नोति, उसके लिए कहोगे कृदंत जो मकारांत ऐसे कह दो। अथ विज्ञायते कृदंतम यद मानतम इति, तब तो हो जाएगा आम प्रत्यय जो कृदंत है। आम प्रत्यय कृदंत में आता है क्या? कृत संज्ञा में ईजादेश गुरुमत अंतरिक्ष इत्यादि सूत्रों से आम हो रहा है, वो आम जो है कृत संजक है, कृत अधिकार में है वो। आम जो है कृतिंग अधिकार में आता है कि नहीं आता है? अधिकार में आता है ना, वो मुख्य है। इसलिए यहाँ विचार करेंगे, अभी देखो आएगा क्यों आगे कोई कह रहा है कृदंतम यन मानतम यदि प्रतामो प्रताम अतित्र प्राप्त, कृदंत जो मानत लोगे प्रताम में क्या क्यों पसरा पर लोप हो गया, अब मानते हैं वो औ जस में वीर लुक हो जाएगा सब लोग, अब ऐसे संज्ञा हो जाएगा कृदंत जो मानत कह देंगे। प्रशांत प्रताम कैसा है? कृदंत मानत है, अतएव उस वहाँ पर जो अभ्य संज्ञा हो जाएगा और जैसा दे लोप हो जाएंगे, ये आपत्ति है। इसे दोनों ही पक्ष में आपत्ति है, कृत जो मानत कहोगे तो कार्यांभवो इत्यादि में आपत्ति है, और कृदंत जो मानत कह देंगे तो प्रतामो इत्यादि में आपत्ति है। इसलिए विचार करना जरूरी है, निर्णय लेना जरूरी है, कैसे इनका अन्वय करना है ये विचार करना जरूरी है, ये इनका कहना है। देखिए कृण्मेजंता कथमिति किम मेजंत किम मेजंत ग्रहण है ना पूर्व कृत विशेषते, मेजंत जो ग्रहण किया है उसके साथ पूर्व में कृत को विशेषित किया जाता है, पश्चात कृतादंत विधि उसके बाद में तंत्र विधि किया जाता है। अहोस्मित पूर्व कृतादंत विधि पहले कृत के साथ तंत्र विधि कर लूंगा, पश्चात कृदंत जो मेजंत ग्रहण है ना उस प्रकार विशेषण विशेष किया जाएगा, ये प्रश्न पूछने का आशय है। प्रयोजनम सर्वनाम अभ्य संज्ञायामिति छात्र तंत्र विधि ही, फिर भी तंत्र विधि आया ही कैसे? संज्ञा प्रयोग सूत्र है ना, अभ्य संज्ञा कर रहे हैं आप, संज्ञा विदो तंत्र प्रत्यग्रहण तंत्रग्रहणम नास्ति, ये नियम है, तो आपने यहाँ कैसे तंत्र विधि लागू कर दिया? तब कहते प्रयोजनम स्वर्णनाम अभ्य संज्ञायाम, इस वार्तिक के आधार पर यहाँ पर तंत्र विधि हो जाएगी। अथवा दूसरी तरीका है अन्वर्त संज्ञा आश्रयणात् प्रत्यग्रहणे संज्ञा विदो अपि अत्र तंत्र विधिर्भवति, अन्वर्त संज्ञा का आश्रयण करने से प्रत्यय ग्रहण करने पर भी संज्ञा विधि में यहाँ तंत्र ग्रहण हो जाएगा। नहीं केवल से प्रत्यय अप्रयोगार्हस्य नानागमनम अगमनम व संभवति, कि केवल प्रत्यय का जो प्रयोग करने योग्य नहीं अप्रयोगार्हस्य नाना प्रकार से उनका व्यवहार होना और अव्यवहार होना यह संभव ही नहीं था, इसीलिए आपको तंत्र विधि करना ही पड़ता है संज्ञा में। कार्यांचकारिति लिडात्र कृत सचम मानतो न भवति, लिट जो हुआ है वो कृत है और वह मानत नहीं था, कृत जो था लिट भी लगे लिट पर क्या है धातु से लिट है वो भी कृत संजक है किंतु वह मानत नहीं है, ये उसके स्थान में क्या आदेश किया आपने? आम आदेश किया। लिट परे रहते हुए हम आम करते हैं तो होता क्या, फिर आम सूत्र लग जाता है, आम सूत्र क्या करते हैं आम से पर लिट को लुक कर देता है, बल्कि लिट नहीं। अब यहाँ पर सिद्धांत देंगे कोई भी प्रत्यय सब प्रत्यय का लुक होता है, वहाँ ले का अनुवृत्ति है, इसे पूर्व सूत्र क्या है आम सूत्र से पहले ये कह रहे हैं कि लेह का अनुवृत्ति, यहाँ दोनों पक्ष उठाएंगे, एक कहेगा लेह का अनुवृत्ति होगी दूसरे लिखे मंत्रे घस वरण वृदाहाज वृत कृत गमि जनि भ्यो लेह लेह, सूत्र से लेह की अनुवृत्ति आएगी एक पक्ष है, दूसरे पक्ष से लेह की अनुवृत्ति नहीं आएगी कहेगा,
तो क्या होगा, क्यों कारण है? कहते अव्यय संज्ञा करने पर सु आएगा ना, कारयाम। यदि हम ली को अनुवृत्ति करके ली मात्र को परे लुक कर देंगे आम से परे, आमा सूत्र से, फिर शुभ लुक नहीं हो पाएगा। इसलिए कहेंगे ले का अनुवृत्ति नहीं होगा करके एक पक्ष आएगा, दोनों बात कहेंगे। देखिए कार्याचकार थी लुप्ते प्रत्ययलक्षण है ना कृदंतम वेदती भाव प्रताम में प्रतामो विधि पिपी लुप्ते, पिप का लोप होने के बाद प्रत्यलुप्त लक्षण के आधार पर वो भी कृदंत माना जाएगा। अतएव कृदंतत्वात् मानतत्वात् अभ्य संज्ञा सारा आउ जस सब लोग होने का आपत्ति है। श्रुत्या च मानतम, जब प्रत्यलक्षण के आधार कृदंत है और श्रवणात् मकारांत है, तब समाधान भाष्य पूर्व पक्षी कहता ऐसा है यदि दोनों पक्ष में दोष दिख रहा है जैसे तुम चाहो वैसे मान लो। भाष्यकार देखो बढ़िया उदार हो रहे हैं, यथिच सिद्धतास्तु जैसे चाहो वैसे कर लो, हम सब समाधान दे देंगे तुम, कोई आपत्ति नहीं है। बोल अस्तुतावत कृद्यो मानते थे, पहला पक्ष ले लेंगे, फिर पूर्व पक्ष कहते ठीक है फिर पहला पक्ष मान लेते, फिर वहाँ जो दोष आएगा कार्यम चकार इत्यादि में वो दूर कैसे करोगे? आक्षेपाशय कथम कार्यांचकार हार्यांचकार फिर कार्यांचकार हार्यांच रूप कैसे सिद्ध होगा? तब प्रत्याक्षेप करेंगे, सीधे जवाब नहीं देंगे पहले, किम पुनरत्र अभ्य संज्ञा प्रार्थ्यते। अरे कार्यांचकार हार्यांचकार में अव्यय संज्ञा करके तुमको क्या लाभ मिलेगा बताओ पहले। अव्यात लुग्यता सियात, अव्यता सुपसूत्र से लुक हो जाएगा, ये उसने पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत इधर न सिद्धति कहेगा अव्ययति लुकिति ननु हल्ज्ञादि लोपे न सिद्धता किम लुका प्रयोजन। हल्ज्ञापति रस प्रथम से सु का लोप हम कर लेंगे, क्या जरूरत है यहाँ पर लुक का, लुक के क्या प्रयोजन रह गया? यदा तर्री अनुप्रयोग वशा दित भूत्व अवगति ही, तब मानना पड़ेगा अनुप्रयोग की वजह से, आगे कृचान प्रति अनुप्रयोग की वजह से आपको मानना पड़ेगा द्वेषण भोषण का प्रयोग होता है। अच्छा इसके सु नहीं आएगा यहाँ पर कार्याम सु साधुत्व सिद्धि करने के लिए, कि उपपद माना जाएगा ना उसको, उसकी उसका उपपद में रहते हुए क्रियचानु प्रचंते इटी लगेगा, जब पदत्व लाने के लिए सु लाना पड़ेगा। वो कहते हैं अनुप्रयोग के आधार पर केवल एक वचन नहीं लाऊंगा द्विवचन बहुवचन भी लाऊंगा, उनको लुक कौन करेगा? वो हल्के से नहीं होगा ना औचसादी का लुक, कहते उसके लिए हमें जब जरूरी है तथा अस्थि द्विवचन बहुवचन उत्पत्ति रीति लुग ऐशितव्य, द्विवचन बहुवचन की उत्पत्ति जरूर होगी, उसी तरह अविदा सुपस लुक करना इष्ट ही है। अकच तो न भवती, अकचादि की आशंका नहीं है यहाँ पर, कि अपरे समाप्तार्थत्वाद अज्ञानादि भीर योगा भावाच्च, क्योंकि अपरे समाप्ति अर्थ नहीं है यहाँ, तो सीधा क्रिया है ना, परोक्ष क्रिया को बताने के लिए इटलकार लाया हुआ है, इसलिए अपरे समाप्ति अर्थ भी नहीं है और अज्ञात आदि अर्थ भी नहीं है, इसलिए अकच प्रत्यय नहीं आ सकता। इसलिए अव्यय संज्ञा का एक ही लाभ कहने का मतलब सु और जसव आएगा उनका लुक करना। समाधान बाधक भाषक, तो समाधान को बाधने वाला कहता है पूर्व पक्ष महाभूत एवं आमित्यम भविष्य, वह इससे लुक करने की कोई जरूरत क्या? आमा सूत्र से लुक कर दूंगा ना मैं, अवैधा सुपा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इत्यम भविष्य न सिद्ध्यति, सिद्धांत कहता है मत कहो ली ग्रहणम तत्र अनुवर्तते, और लेह का अनुवृत्ति है, लेह का अनुवृत्ति माना सिद्धांति। पूर्व पक्ष कहता है ली ग्रहण में निवर्तिषते, ली ग्रहण के पूर्व में निवृत्ति कर देंगे, वो आएगा नहीं। अर्थात क्या है, आमा सूत्र ली का भी सुप का भी जो भी प्रत्यय होगा प्रत्यय सामान्य को लुक कर देंगे, इसलिए अवैध सुप लगाने की जरूरत ही नहीं है, काव्य संज्ञा की जरूरत ही नहीं है, यह आशंका है। यदि निवर्तते प्रत्यय मात्र से लुक प्राप्ति, समाधान साथ यदि आप निवृत्त करते होगे तो और अच्छा हो जाएगा, प्रत्यय मात्र का लुक हो जाएगा। इसे प्रत्यय मात्र से, तब समाधान बाधक पूर्व पक्ष कहता है इसे प्रत्यय मात्र से हमें इष्ट ही है, प्रत्यय मात्र को लोप कर देना, इसे सुख भी लुक हो जाएगा, लुक लिट भी लुक हो जाएगा, सब लुक हो जाएगा, होने तो सब इष्ट ही है ना, हमारे इष्ट सिद्ध हो जाएगा और बिना व्याय आप सुख सूत्र लगाए काम हो जाएगा हमारा, अवय संज्ञा की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये रूप में कोई दोष ही नहीं है, कार्यांचकार हार्यांचकार है, ये पूर्व पक्ष कहता है। अत आतश्च इष्यते, इसलिए भी इष्ट है हमारे लिए, एवं याह क्रीचानुप्रजित लिटी थी, इसलिए भी इष्ट मानना पड़ेगा क्योंकि क्रीचानुप्रजित लिटी कहा है, लिट सहित प्रयोग करने क्यों बोला? वही ज्ञापन कर रहा है लिट लुक होता ही है,
अनुवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। यदि लुक ना होता फिर अनुप्रयोग करने के लिए लिट पर क्री का अनुप्रयोग क्यों बोल रहे, लिट तो पहले ही है ना। लिट लुक ना हो अवैधा सुख सुख मात्र लुक करना इष्ट कर रहा है, इसलिए अभ्य संज्ञा करोगे ली की अनुवृत्ति भी नहीं होगी तो लिए वहाँ बना रहेगा। फिर क्री चानुप्रति लिट परक क्री का अनुप्रयोग करने क्यों विधान कर रहे हैं, ये ज्ञापन करता लिख लुक अवश्य होता है, इसलिए इष्ट ही हमारे लिए। ली का भी लुक होना इष्ट है, सुख का भी लुक होना इष्ट ही है ना हमारे मत में, ये पूर्व पक्षी कहता है। तब पक्षांतर में जाएंगे भाषा इष्टे चैती पूर्वोक्ता धेतो हो तरबादि अनुत्पादाद अनुप्रयोग एव तरबादि उत्पत्ति स्या। पूर्वोक्त हेतु से ही तरबादि अनुत्पत्ति उत्पादात मैंने अभ्य संज्ञा को लेकर के तरप तमप अकच इत्यादि कोई भी प्रत्यय उत्पन्न होने के लिए अभ्य संज्ञा नहीं करना इष्ट है ना आपको। कारयाम में या हारयाम इत्यादि में आमु प्रत्यांत में आम प्रत्यांत आमो नहीं आम प्रत्यांत का अभ्य संज्ञा करने से तरप तम पद प्रत्यय करना इष्ट है क्या आपको, यहाँ वो इष्ट नहीं है। इष्ट क्या है, क्रियाचालक प्रचलित अतएव उनकी प्राप्ति नहीं होगी अभ्य संज्ञा का लाभ के लिए। अनुत्पत्ताओ अनुत्पादात अनुप्रयोग एव अनुप्रयोग जो क्रीचानुप्रचित अनुप्रयोग एव तरबाद उत्पत्ति स्यात् सब समाप्तार्थस्य प्रकर्षादि योगाद इत्यर्थः। क्योंकि अपरिसमाप्ति अर्थ भी ले रहे थे आप, अपरिसमाप्ति अर्थ भी क्या है प्रकर्षता का ही बोधक होता है। और यहाँ लिट लकार क्या है, क्रिया का एक विशेष स्वरूप को ही बोधक हो रहा है, परोक्ष भूत को लिट लकार बताता है। अत्रैव अर्थे ज्ञापक माह इसी अर्थ में ज्ञापक क्या है तो पूछने पर कहा आतश्च इष्यति इति, इसलिए भी हमारे लिए बात इष्ट है। तत्र उक्तम व्यवहित निवृत्त्यर्थञ्च इति, यदि च प्रत्ययमाचर लुक भवति तथा एतद उपपन्नम भवति, ये उसने कहा। यदि लुक प्रत्यय मात्र का लुक करने इष्ट कर दोगे तो हमारे लिए यह उपपन्न हो जाता है। तथैव एतद माने यह जो शुभ का विलोप और लिट का विलोप सब कुछ उपपन्न हो जाता है। व्यवहित निवृत्त्यर्थञ्च ये यहाँ कहाँ से बोल दिया, अतत्र ही उक्तम इस विषय में वहाँ पर कहा है चेन, हाँ च के द्वारा कहा गया चेन विपरीत निवृत्त्यर्थत्व समुच्चय। हाँ छः नंबर टिप्पणी है, चकार के द्वारा उन्होंने ये बात कहा क्री चानुप्रयोजित च है ना सूत्र में, उस च के द्वारा विशेष कथन ये संकेत कर दिया गया है। यह बात उसी सूत्र के भाष्य में स्पष्ट कर दिया व्यवहित निवृत्त्यर्थञ्च, ये बात महासूत्र में कहा गया है। अब कहते यदि ऐसा है फिर पक्षांतर ले लो, पक्षांतर मस्तु चलो इसको छोड़ो, कृत्यो मान्त ये बात छोड़ो। अतः पुनरस्तु कृदंतम यन मान्तमिति, कृदंत जो मानत से कह दो कथम प्रथामो प्रथाम इति, और प्रथामो प्रथाम में क्यों नहीं लगा, यहाँ भी अभ्य संज्ञा कर लो होना चाहिए। तो समाधान करने वाले भाष्यकार कहते हैं आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न प्रत्यलक्षण न अव्यय संज्ञा भवती थी, प्रत्यलोभ्य प्रत्यलक्षण के आधार पर अव्यय संज्ञा नहीं किया जाएगा, ये ज्ञापन कर रहे हैं भाष्यकार। पाणिनि का प्रयोग ही ज्ञापन कर रहा है, पाणिनि ने कहाँ प्रयोग किया कि ज्ञापन कर रहे हैं, कहते सुनो यदयम प्रशान शब्दम स्वरादिशु पठती, स्वरादिगण में प्रशान करके नकारांत जो पाठ किया वही ज्ञापन करता है, नहीं तो वहाँ पर क्या होता था प्रशान ही होता ना, अपे होगा अव्यय संज्ञा होगा तो क्या हो जाता सब लुप हो जाएगा, म कौन कौन न कौन करेगा, मोनोधातु से न कैसे होगा, फिर होगा ही नहीं। इसीलिए प्रशान जो प्रयोग किया वो ज्ञापन करता है प्रत्यरूप प्रतिलक्षण के आधार पर, जो पिप आया सुरापर लोप हुआ वो कृदंत जो मानती हूँ मान करके अभ्य संज्ञा नहीं किया जा सकता है। प्रशांत शब्द में थी वही देर जो आगे स्वयं समझा रहे प्रदीप तस्य मोनोधातु इति नत्व से सिद्धत्वात् सिद्धम अव्यक्तम इति भाव, मोनोधातु से जो क्रिया व नत्व असिद्ध होने के नाते अव्यक्त प्राप्त था ही। तुल्य जातीयस्य धातोर नियमेन व्यावृत्ति क्रियते, तुल्य जाति धातुओं का नियमित रूप से व्यावृत्ति होती है। यदि कार्यांचकार यदि भवत्येव मान्त से व्य संज्ञा, इसे कार्यांचकार इत्यादियों में भी मान्त का व्यसंज्ञा अवश्य होता है। शान तेजन धातु लेंगे तो प्रशान में इत्यस्य तो प्रशान इति रूपम न भवति तस्य क्विबंतस्य प्रयोग आदर्शनात्, इन प्रशान ऐसा रूप बनेगा नहीं कभी, प्रशान ही रहेगा मानती लिया जाएगा, शान धातु का रूप नहीं बना सकते, शान तेजने धातु का रूप बनेगा नहीं। क्यों कहते हैं
उसके कृत पिबंत रूप का प्रयोग होता ही नहीं है। कृबंत से प्रयोग अदर्शनात्। और कद फिर लू धातु लिया, लू से निच लावी धातु बनाओ, क्विप कर सरापर कर दो, है नहीं। फिर कहते देखो लाव इतिर लौहु इत्यस्यापि, क्विप किया सरापर लोप किया, निचलोप हो जाएगा, लौ बच गया, ये प्रातिपदिक ले लो। कहते यह भी नहीं होगा, इत्यस्यापि न भवती, ये रूप वास्तव प्रयोग होता ही नहीं है। अस्मादेव ज्ञापकात् लाक्षणिकत्वाद्वा औकारस्य, दो हेतु दे दिया, या तो इसी ज्ञापक से ले लो, ऐसा प्रयोग होते ही नहीं है लोक व्यवहार में, अथवा दूसरा हेतु दे दिया यह लाक्षणिक औकारांत है, इसे प्राप्ति नहीं होगा, यहाँ पर अभ्यसंग प्राप्ति नहीं होगा। कहते हैं कि इसके प्रसंग में संवाद परिभाषा को उठाएंगे, यहाँ पर ही लोप हुआ, नी का भी लोप हो गया, फिर वो अभ्यसंज्ञा करके प्रत्यलोप के प्रति कारण कैसे बनेगा, इसे सन्निपात परिभाषा का प्रकरण यहाँ वास्तव में यहीं से शुरू होते हैं। इससे पहले भी विचार आए एक दो बार, इन मुख्य यहीं पर है। इसे अधिकरण का नाम ही रख रहे हैं सन्निपात परिभाषा अधिकरणम। कृण में जंतश्चा निकार रोकार प्रकृति ही, ये वार्तिक है, उपसंख्यान वार्तिक है, कृण में जंत में ये उपसंख्यान करना चाहिए, इकार और उकार प्रकृति को छोड़ करके जो ये जंत कि लौ क्या है, उकार प्रकृति का लू का लौ हुआ है, उसको अभ्यसंज्ञा नहीं होगा। इसे इकारांत बाद में एकारांत औकारांत हो जाए, एजंत हो जाए, तो उसको भी अभ्यसंज्ञा नहीं होगा। इसलिए वार्तिककार कहना है कृणमे जंत में एजंत में इकार प्रकृति को उकार प्रकृति को छोड़ के ही कृणमे जंत अभ्यसंज्ञा करेगा। वह अदंत को भी इष्ट प्रभा के आकार प्रकृति को भी लेंगे, फिर अभी ये इकार उकार कह दिया ना, ये अधूरा है, आकार प्रकृति भी लेना पड़ेगा। आ को ये हो जाता है, कोई भी शब्द ले लो, बहुचन से झलित अदंत है, अदंत को एकार हो गया, तो वहाँ पर प्राप्त हो जाए कृदंत तत्वाद मान तत्वाद एदंत तत्वाद कृण में जंत लग जाएगा, कृदंत है और वही एदंत हो गया। जैसे राम शब्द क्या है, कृदंत है, रमु कृणाम जैसे कहीं प्रत्यय हुआ, राम कृदंत हो गया, राम अदंभ्यस म के आकार को एकार कर दिया आपने, राम ये हो गया। अब एदंत कृदंत वज्ञ नहीं हुआ, अदंत को अदंत प्रकृति एदंत कृदंत हो गया, वहाँ भी अभ्यसंज्ञा हो जाएगा फिर इस सूत्र से। इसे अदंत प्रकृति के एदंत को भी निवृत्त करना पड़ेगा ये कहेंगे, तब सन्निपात परिभाषा को सब निवृत्त कर देगा। कृणमे जंतश्चा निकारो कार प्रकृति वक्तव्यम, कृणमे जंत सूत्र में एजंत के मामले में इकारो कार प्रकृति को छोड़ करके यह कहना चाहिए यह मा भूत, ताकि यहाँ आपत्ति न होवे। जैसे आधी शब्द आंग धा धातु से की प्रत्यवाधी बना, कृदंत है एक इकार है, और उसको आप लाओ चतुर्थी में पंचमी षष्ठी में क्या होता है, गुण हो जाएगा, आधे बनेगा दोनों में। ये जैसा याद सब कर रहे हो ये नहीं होना चाहिए, आधे क्या हो गया, इकार प्रकृति एकारांत कृदंत अभी हो गया ना, अब अभ्यसंग हो जाएगा उसको, ये समझ में आई। आधीदन चतुर्थी, चतुर्थी का गे, गे का ये एक के प्रति घी संज्ञा, घी संज्ञा को हो गया घेर घी सुगुण, आधे ए रहेगा, आधे ए रहेगा, अभी आधे का क्या हो जाएगा, अभी संज्ञा, क्योंकि एजंत हो गया, कृदंत एजंत हो गया, अभी इकृंत एजंत होने से अभी संज्ञा हो गई, तो एक लुकी हो जाना चाहिए, तो आधे ये रूप कैसे बनेगा, फिर आधे ही रूप कैसे बनेगा, वहाँ भी पूरा घस का लोप हो जाना चाहिए, घस का सुच्चा लगा करके या पूर्व करके उसका ऋतु सर कैसे करोगे आप, पूरा लुक हो जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। आधे आधे ये रूप नहीं बन पाएगा, इसलिए कह दिया इकारांत प्रकृति को छोड़ के अब यहाँ अभ्य संज्ञा नहीं होगी, इस वार्तिक से क्या होगा, अभ्य संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि ये जो एजंत है वो इकार प्रकृति के एजंत हो गया। इसे उकार के लिए चिकीर्षु शब्द है, चिकीर्षु वहाँ गुण हो गया, चिकीर्षो एजंत हो गया, कृदंत है एजंत हो गया, अभ्य संज्ञा प्राप्त थी, इस निषेध कर दिया, चिकीर्षवे चिकीर्षो हो इति रूपम स्यात्। ये च एतद् विशेषणा, ये जो वार्तिक है मांत के लिए नहीं है, ये एजंत के लिए है। ये च एतद् विशेषणा न मकारस्य व्यवच्छेद्य संभवा, हाँ इकार प्रकृति का मकारांत ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, उकार प्रकृति मकारांत कोई रूप मिलेगा नहीं, व्यवच्छेद न होने से वह विशेषण नहीं बनाया जाएगा। आधे गुणे करते अंतरंग बहिरंगे और दी न्याय अभ्य संज्ञा, अंतरंग बहिरंग और अंतरंगम बलवत, एक दूसरी न्याय है वो अलग,
असिद्धम बहिरंगम अंतरंग, ये अलग परिभाषा है, ये अलग परिभाषा है। अंतरंग बहिरंग यो हो अंतरंग बंग बलवत्, ये कैसा कह रहा है? आप जो अपेय संज्ञा करेंगे प्रकृति मात्र में अपेक्षित है, इकारांत प्रकृति, एकारांत उकारांत प्रकृति, ओकारांत है, अपेय संज्ञा के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है। लेकिन अयादेश करने के लिए, एचएस अयादेश करने के लिए उभय पद की अपेक्षा है, पद प्रकृति और प्रत्यय दो की अपेक्षा है कि नहीं? जो अभ्य संज्ञा कार्य एक में है, एक निष्ठ होने से अंतरंग हो गया और द्विनिष्ठ होने के नाते बहिरंग हो गया, ऐसे में अंतरंग कार्य ही बलवान होकर के अव्य संज्ञा प्राप्त हुआ, तब कहते हैं अव्य संज्ञा स्यात् न तु अयादेह, अयादि आदेश प्राप्त नहीं हो रहा था। अंतरंगत्वाद विचार सुब्लुक स्यात्, बल्कि अंतरंग होने के नाते अव्य संज्ञा हो जाएगा, अव्य संज्ञा होगी तो सुब्लुक हो जाएगा, अपने पेचाव नहीं होने वाला। परिभाषांतर प्रयोजन कथनार्थम लक्षण प्रतिविधुक्त अनाशक्तम, ये जो परिभाषांतर, परिभाषांतर कौन? अंतरंगम बहिरंगयो अंतरंगम बलवत्, इस परिभाषांतर के प्रयोजन को दिखाने के लिए जान करके यहाँ पर लक्षण प्रतिविध परिभाषा को लागू नहीं किया। प्रतिविधोक्तम तो प्रत्यक्षम यदि तस्व ग्रहण सिया, कि हमेशा लाक्षणिकम ही अनुमेयम, जो लाक्षणिक होता है वो शास्त्र सूत्रों के द्वारा स्थापित करके अनुमान की तरह जाना जाता है, और जो प्रतिपदोक्त होगा वो तो सीधा प्रत्यक्ष है, ये तस्व ग्रहण न्यायम, उसको ग्रहण करना उचित था। वैसे तो यह एजेंट क्या है? प्रतिपदोक्त नहीं है, ये तो लाक्षणिक है, जो जो दृष्टांत दिया है इसे उस परिभाषा से यहाँ पर काम हो गया था, लेकिन फिर भी अन्य परिभाषा के प्रयोजन दिखाने की इच्छा से जान करके दृष्टांत उठाया गया है। प्रकारांतर प्रश्न का वार्तिक अनन्य प्रकृति दिवा, अथवा ऐसा कहो इस वार्तिक को बदल दो, कृण्वे जंतस चानन्य प्रकृति रीति, ऐसा वार्तिक बनाओ, ये जो है ना अन्य कार उकार को हटाओ और कह दो अनन्य प्रकृति, मान अन्य प्रकृति के ना हो, विशुद्ध एजंत होना चाहिए, तब क्या होगा आकार प्रकृति प्रकरण में आ जाए, अथवा अनन्य प्रकृति कृत अभ्य संज्ञो भवती यदि वक्तव्य, अनन्य प्रकृति वाला जो एजंत है, अन्य प्रकृति का ना हो ऐसे जो विशुद्ध एजंत है उसको कृत संज्ञक उनको ही अभ्य संज्ञा होता है, ऐसे कह दो। किम पुनरत्र जय, क्या करना उचित है? कहते यही करना उचित है, अनन्य प्रकृति वचनमेव जय इदमपि सिद्धं भवति, उसे लाभ कहाँ होगा? कुंभकारेभ्यो नगरकारेभ्यो इत्यादि रूप की भी सिद्धि हो जाएगी। कुंभकार क्या है? अंडंत है, अदंत हो जाएगा, कृदंत है, उसको भोषण झल्ले से हेतु कर दिया, अदंत प्रकृति का हेतु है ये, एजंत कृदंत हो जाएगा, अव्य संज्ञा होगा तो भस्मलोक हो जाएगा, वो आपत्ति दूर हो गया, इसीलिए कह दें कि अनन्य प्रकृति का ज़्यादा अच्छा है। तत्तर्री वक्तव्यम, पूर्व पक्ष कहता है फिर यही चीज़ कह देना चाहिए था सूत्र को, कृण में जंत क्यों कर रहे हैं आप? हैं कहते हैं नवा, इसको कहने की जरूरत नहीं, कहने की वाह मैंने जरूरत नहीं, अवश्यत्व ना कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? संनिपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात ये परिभाषा, इस परिभाषा से सारी अतिव्याप्तियाँ दोष दूर हो जाएंगी। संनिपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात नवा वक्तव्य, नवा को पहले ऐसा ले रहे यह कहने की जरूरत नहीं, अनन्य प्रकृति यह कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? किन कारणम? क्योंकि इस परिभाषा से व्यवस्था दी जा सकती है, सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तदीति ऐसा परिभाषा कर्तव्या, मतलब यह परिभाषा करनी चाहिए, मतलब एक सूत्र को लिए एक वार्तिक देने से छोटा सा काम चल सकता है, तो इतना लंबा छोटा परिभाषा मैंने क्या जरूरत है आप? यह प्रश्न उठे है ना, देखो अनन्य प्रकृति इतना कहना लागव है या सन्निपात लक्षण विधि निमित्तम तद्विघात से ये कहना लागव है? अनन्य प्रकृति का नहीं लागव है, कम अक्षर है, अनन्य प्रकृति कितने अक्षर? एक दो तीन चार पाँच छः, अनन्य प्रकृति के छः अक्षर आ रहा है और इसमें तो 15 से ऊपर अक्षर है, इधर लंबा चौड़ा परिभाषा क्यों करना? तब कहेंगे इस परिभाषा का अनेकों प्रयोजन है, केवल यही नहीं है। और अनन्य प्रकृति कहोगे केवल सूत्र में प्रयोजन लाभ होगा, अन्यत्र लाभ नहीं दे सकता वो वार्तिक, इसलिए उस वार्तिक बनाने की अपेक्षा से परिभाषा बनाना भले ही शरीरकृत गौरव है किंतु प्रयोजन को देखता हुआ वह लाघव ही लाघव है। सन्निपात लक्षण, सन्निपात मैंने संश्लेष,
तन्निमित्त यो विधि सतत विघात से अनिमित्तम भवती, वह विधि अपने ही विघातक न होवे इसलिए निमित्त ही नहीं बनेगा। तन सन्निपातम यो विहंति तस्य, तार सन्निपात का जो विहनन करता है ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। आक्षेप भाष्यम कह पुनरत्र विशेष, पूर्व पक्ष पूछता है क्या यह विशेषता है बताओ। ये सब परिभाषा क्रियत अनन्य प्रकृति व उच्छेद, यह परिभाषा को करना बनाना श्रेष्ठ है या अनन्य प्रकृति वार्तिक बनाना श्रेष्ठ है। सिद्धांति कहता है अवश्यम एषा परिभाषा कर्तव्या, यह परिभाषा अवश्य करना चाहिए, वार्तिक की जरूरत नहीं है। बहूनि एतस्या परिभाषा प्रयोजनानि, कि इस परिभाषा का अनेकों प्रयोजन, एक स्थल में नहीं अनेकों स्थल में अनेकों प्रयोजन इसका होता है, अनेकों सूत्रों में लाभ हो जाएगा। और वार्तिक बनाओगे अनन्य प्रकृति वो केवल सूत्र में लाभ देगा, अन्यत्र लाभ तो देगा नहीं वार्तिक। कहानी प्रस्थानी प्रयोजन नानी, पूर्व पक्षी पूछता है भगवान बताइए वे प्रयोजन कौन से हैं, कितने हैं बताओ वर्णन करके, एक एक करके प्रयोजन बताएंगे और पूर्व पक्ष हर एक प्रयोजन का खंडन कर देगा। पूर्व पक्ष कम नहीं है, तगड़ा है। देखो कहते हैं प्रयोजनम ह्रस्वत्ता तुक बितेर ग्रामणिक कुलम, प्रयोजन क्या है इस परिभाषा का, ह्रस्वत्व में तुक विधि को रोकना, ह्रस्व करने पर प्राप्त तुक विधि को रोकना, यही सन्निपात परिभाषा का लाभ है। कहाँ कहते ग्रामणिक कुलम, इस रूप में ग्रामणिक कुलम सेनानी कुलम, ग्रामणी दीर्घकारांत होता है, सेनानी दीर्घकारांत होता है, इन कुलम के साथ समास होने के बाद में उसको ह्रस्व कर दिया आपने। इको ह्रस्वो अज्ञो गालवस्य मते, गालवस्य सूत्र है, उससे ह्रस्व हो गया। जब ह्रस्व हो जाने के बाद में ह्रस्व तुक लगा, प्राप्त तुक को बाद दिया, क्यों तुक करने पर क्या है ह्रस्व का उस कुल शब्द के साथ में जो अव्यवधान था वो तुक आकर क्या करेगा, व्यवधान कर देगा, व्यवधान कर देगा तो स्वस्वरूप जो था उसका विघात हुआ कि नहीं, ह्रस्व का जो विहित ह्रस्व का अव्यवहितता का विघात हो जाएगा, वह न होवे इस तुक को होने ही नहीं देगा, ये परिभाषा लाभ है। जो ग्रामणी कुलम सेनानी कुलम यदि ह्रस्वत्व कृते ह्रस्व से प्रतिकृति तुक भवति, ह्रस्वत्व है ना उस सूत्र से, इको ह्रस्व अज्ञो गालव सूत्र से ह्रस्व करने के बाद में ह्रस्व से प्रतिकृति तुक इस सूत्र से तुक प्राप्त था। सन्निपात निमित्तम विघात विघाति न दोष भवती, प्राप्त तुक को रूपी दोष निवृत्त हो जाता है इस परिभाषा की वजह से। जब नपुंसकलिंग रूप आएगा ना, या तो कुलम के समास करने के बाद कर रहे हैं, कुलम परे रहते हुए तो समास में पूर्व पद को ह्रस्व हो रहा है ना, समास में पूर्व पद को हम ह्रस्व कर रहे हैं या नपुंसकलिंग के कारण से नहीं कर रहे हैं। वो जो सूत्र है इको ह्रस्व अज्ञो गालवस्य, समास के पूर्व पद को ह्रस्व करता है, हाँ वो सूत्र है ना, अब उससे हम कर रहे हैं, इसीलिए उसको रस करने के बाद में तो कृतत्व क्या हो, तुक हो गया चेतन साठ का है, इसलिए वो सूत्र ह्रस्वत्व कृत्य इन्होंने कर दिया। उस सूत्र से रस करने के बाद में ह्रस्व से तुक होगा, कि ग्रामणी शब्द स्वयं क्या है, ग्रामणी शब्द कृतंत है और ह्रस्व भी हो गया, अभी ह्रस्व हो जाने से ह्रस्वत्वाद कृतत्वाद तुक आगम प्राप्त था, अब वो सन्निपात परिभाषा लग गया। स्व के द्वारा क्या होगी जो है रसत्व का ही प्रतिपादन जो है बात देगा वो, ये कह देखिए और स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए इको ह्रस्व इति पूर्वोत्तर पद सन्निपात निमित्तम रसोत्तम तुको न निमित्तम, या इको ह्रस्व वो सूत्र बता रहे इको ह्रस्व अज्ञो गालवस्य इति पूर्वोत्तर पद सन्निपात निमित्तम, पूर्व पद को उत्तर पद के परते हुए पूर्व पद को ही ह्रस्व होता है, ये सन्निपात निमित्तक ह्रस्व है, वही तुक कर दूंगा उत्तर पद और पूर्व पद में तकार जो आ गया व्यवधान हो जाएगा, निमित्त का ही विघात हो गया, तो रसोत्तम तुको न निमित्तम भवति, तार्श रस्व जो है तुक के प्रति निमित्त नहीं हो सकता, क्यों तुकी ही सती, तुक यदि कर दूंगा तो क्या होगा पूर्वोत्तर पद आनंतरी का विघात हो जाएगा, पूर्वोत्तर पद और आनंतरीय विघात स्यात्, यदा तो ह्रस्वमात्र से तुगागमो न तदंतस्य, और जब ह्रस्वमात्र को तुगागम कर रहे हो तदंत को नहीं कर रहे हो तद अवय अवयवश्च समुदावयव न भवति तदैत प्रयोजन न तो अन्यथा, तब यही हम कहेंगे अवयव का अवयव को आप जो आगम करोगे वो समुदाय को भी माना जाएगा,
जैसे आपने ये हमारे हाथ का अवयव कह दिया, अंगुली हाथ का अवयव है, अंगुली भी हाथ का अवयव है, तो इस प्राणी का भी अवयव अंगुली अवश्य ही है, ये मन नहीं पड़ेगा। इसलिए आप रसमातृत्व करूँगा एक युक्ति देना चाहोगे, हम पूर्व पद को तुक नहीं करूँगा, रस्व को तुक कर दूंगा, तो पूर्वोत्तर पद में अव्यवधान बना रहेगा। ऐसा यदि कोई कहता है, कहते ऐसा आप नहीं कह सकते, जो रस्व को तुक करोगे वो पूर्व पद पूरे को ही तुक माना जाएगा। क्यों? रस्व क्या है? वो पूर्व पद का अवयव है। अतएव आपका क्या तुक? अवयव को किया हुआ जो तुक है वो अवयवी को भी लागू हो जाएगा। अतः पूर्वोत्तर पद में जो अव्यवहित में हुआ जो रस्व है वो रस्व का स्वयं का स्वरूप का विघात हो जाएगा, वह न होवे इसे तुक आगम नहीं होगा, इस परिभाषा के लाभ है। न तो अन्यथा, अन्यथा इसको कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो सूत्र करता ही है उत्तर पद के अव्यवहित पर में रहते हुए पूर्व पद को रस्व करता है वो सूत्र। तब पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं तदस्ति प्रयोजन, इसके लिए सन्निपात परिभाषा तुक को रोकने की जरूरत नहीं है, तुक अपने आप भाग जाएगा बहुत दूर। कैसे? कहते नहीं तदस्ति पर, क्योंकि बहिरंगम रसवत्ताम अंतरंगस्तुक, क्योंकि दो पदनिष्ठ है ना, उत्तर पद पूर्व पद का व्यवहित में कर रहा है, द्विपदनिष्ठ रसवत्व बहिरंग हो गया, भव अपेक्षा बहिरंगम और अल्पापेक्षा अंतरंग, रस मात्र अपेक्षित है तुक के लिए वो अंतरंग है, इसलिए बहिरंगम रसोत्तम अंतरंगस्तुक असिद्धम बहिरंग अंतरंगे से अपना रस असिद्ध होने से तुक प्राप्त ही नहीं होगा। इसे सन्निपात परिभाषा लगने क्या जरूरत है? पूर्व पक्ष कहता है प्रदीपा बहिरंगम क्यों है? द्विपद आश्रयत्वा, उत्तर पद पूर्व पद दोनों आश्रित होकर के आपने रस्व किया। यदापि रसो न पुंसक प्रातिपद की थी रसोत्तम, देखो आपकी बात आ रही, तदापि अर्थाश्रयत्वा बहिरंगम, तदपि अर्थ आश्रित है अतः बहिरंग हो जाएगा। अर्थ क्या है? नपुंसकत्व अधिक आश्रय करना पड़ेगा ना, रसो नपुंसक प्रातिपद करने के लिए नपुंसकत्व रूपी अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ग्रामणी शब्द में सेनानी शब्द में, अर्थकृत अपेक्षा की अधिकता से वो बहिरंग हो जाएगा उस सूत्र से करने वाला रसो भी। तुक तो वर्णाश्रित, और तुक क्या है? केवल वर्णाश्रित कार्य है, इसलिए अंतरंगस्य यदि तो सन्निपात लक्षित आश्रते तथा ग्रामीण छत्र मित्रापि तुक सुग न सन्निपात लक्षण को आश्रय करोगे यहाँ पर तथा ग्रामीण छत्र में भी तुक नहीं होगा या आपत्ति हो जाएगी। ग्रामीण छत्र में रस हो रहा है पूर्व पद को, वहाँ भी पूर्व पद को रस हुआ, वहाँ भी तुक नहीं होना चाहिए, लेकिन तुक प्रयोग होता है, इसे सन्निपात परिभाषा को लगाना यहाँ ठीक नहीं है। यह उचित यही है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगी परिभाषा को लगाना। रस्वतत्व का आगमयो स्तु अत्र साम्याद अंतरंगत्व बहिरंगत्व नास्ति, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? रस्वत और तुगम दोनों के दोनों समान ही हैं, इसलिए अंतरंगत्व बहिरंगत्व नास्ति, अंतरंगत्व और बहिरंगत्व का व्यवहार नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्र में। क्यों? छह लक्षण स्तुक सिद्ध भवति, क्यों वहाँ पर तुक जो हो रहा है रस्व से प्रतिदूष से नहीं कर रहा हूँ, छह छह से कर रहा हूँ, दोनों बराबर हो गया। इसलिए इस तरह से पूर्व पक्षी ने यहाँ सन्निपात परिभाषा का प्रयोजन को खंडन कर दिया। अब दूसरा प्रयोजन बताएंगे, प्रयोजन परम भाष्यवार्थ दूसरा, न लोपो वृत्रहभी, वृत्रहन शब्द है, वृत्रहन शब्द है, यहाँ पर नकार का जो लोप हुआ वो प्रयोजन है। यहाँ सन्निपात प्रश्न लागू करूँगा तब क्या होगा? वृत्रहभिर भ्रूणहभिर इति अत्र न लोपे कृते रस्व से प्रतिकृतुक भवति इति तुक प्राप्त होती, यहाँ रस्व से प्रतिकृतुक से यहाँ पर भी तुक प्राप्ति पहले दिखा रहा है, रस्व से प्रतिकृति तुक भवति इति तुक प्राप्त होती। वृत्रहन हन है ना, विपसरा पर लोप हो चुका था, रकार लोप हो गया, वृत्रह बच गया, ह्रस्व हो गया, अभी ह्रस्वांत कृतंत हो गया, तो तुक आगम प्राप्त था। तब सन्निपात लक्षणों विधि निमित्त तेजी न दोष भवती, तुक आगम रूप दोष नहीं रह जाएगा, सन्निपात लक्षण हम लगा देंगे। तब पूर्व पक्ष कहेगापि नास्ति प्रयोजन, यह भी प्रयोजन वास्तव में आप नहीं कर सकते। क्यों? असिद्धो न लोप, नलोप प्रातिपदिकांत से आप लोप करते हो, वह आठ दो का है, नलोप प्रातिपद से नकार जो लोप किया आठ दो का है वो, और असिद्ध प्रतिकृत जो कर रहे हो ये सपा सप्ताध्यायी का है, ये त्रिपादी का लोप होने से असिद्ध सुतई है वो, असिद्धो न लोप तस असिद्धत्वात् न भविष्यति, वो असिद्ध होने के नाते तुक तो होगा ही नहीं। प्रदीपा असिद्धो न लोप न लोप सुस्वर इति असिद्धम बहिरंगम इति वा, ऐसा भी कर सकते हो आप, न लोप सुस्वर संज्ञा तुक विधिषु
सूत्र के द्वारा भी असिद्धता का वर्णन कर सकते हो, अथवा असिद्धम बहिरंग मंत्र के लगाओ तो भी असिद्ध हो जाएगा, दोनों तरह से है। अब दूसरा एक और प्रयोजन बताएंगे वार्तिककार फिर। उदुपधत्वम अकित्वस्य निकुचिते, वो गुण नहीं होगा, यहीं पर प्रयोजन दिखा निकुचिते। उदुपधत्वम अकित्वस्य अनिमित्तम भवति, उत्पदात जो किया जा रहा है वह अकित्व का निमित्त नहीं होगा। कहा निकुचिते रूप में, निकुचिते कैसे बनता है, निकुचितम इत्यत्र नलोपे कृते है, कुंच धातु है, कुंच कुंचेर भावेकता प्रत्यय, कुंच धातु से ता प्रत्यय किया, और वहाँ पर क्या नकार का लोप हुआ अनिता वाल उपजा की छह सूत्र से, जब लोप हो गया तो निकुचिता बनेगा, यहाँ पर लोकपद गुण क्यों नहीं हुआ, अकित हो गया ना, उत्पदा वाले को अकित करता है निकुचित नलोपे कृते उत्पदा भावादि कर्मणोरन्यत्र श्याम, ये सूत्र इति अकित्वम प्राप्नोति, ये अकित कर देगा, अकित कर देगा तो गुण हो जाएगा, इसे अकित्व के प्रति उच्च जो उपदा जो किया गया रस्व वह निमित्त नहीं बनेगा। क्यों, सन्निपात लक्षण परिभाषा, सन्निपात लक्षण विधिर निमित्तम दिव्याति न दोषो भवति। प्रदीपा निकुचित कुंचेर भाविकता प्रत्यय अनितान जन लोप तथा कित्त निमित्तम उदुपधत्तम, कित्त निमित्त का ही या उत्पदा हुआ, लेकिन देतु उत्पदा में था नहीं, नकार उपदा में था, लेकिन कित्त होने के नाते न लोप हुआ, और वह न लोप उत्पदा होने के बाद अकित्त के प्रति निमित्त हो जाए, ये नहीं हो सकता है। तत्र कित्त निमित्तम उदुपधत्तम उदुपधादिति अकित्वस्य अनिमित्तम भवति, उसे अनिमित्त हो जाएगा, गुणो न भवति इति भाव, इसे गुण नहीं होगा, ये लाभ है। तब प्रयोजन निराकरण करने वाला पूर्व पक्षी कहता है ये तद विनाशी प्रयोजन, यह भी प्रयोजन नहीं हो सकता, अस्त्वत्र अकित्व भले अकित्व भी हो जावे तो भी गुण नहीं होगा, ये सूत्र अकित्व कर भी देगा तो भी गुण नहीं होगा बोलता है। क्यों, क्योंकि न धातु लोप आर धातु के पहले पढ़ चुके हैं आप, यदि प्रतिषेध भविष्यति, यह स्वयं वहाँ गुण को प्रतिषेध कर देगा। पूर्व पक्ष बड़ा तगड़ा है, हर प्रयोजन का खंडन कर रहा है, अगले की बात बहुत सारे दोष दे देगा, परिभाषा को ही खत्म करने की कोशिश करेगा, फिर सिद्धांत मुख्य प्रयोजन दिखाएंगे। अगला प्रयोजन वार्तिक आ रहा है ना भाव यही दीर्घत्व से अमुना कद कहते, कहाँ प्रयोजन होगा ना भाव, जब ना भाव हो जाए तब क्या हो जाएगा, वो यही आदि हो जाएगा। तृतीया का एक प्रश्न, अमुधन टा है, आपने टा को ना आदेश कर दे घी संज्ञा करके, अमुना हो गया, अमुना है यही आदि, यही आदि सुपीचे से दीर्घ होना चाहिए, जिस वो के कारण से ना आया था तो आदस, वो आदस हो गया अमु, अमु होने से घी संज्ञा होकर के ना आया, और वह ना यहाँ करके अपने उकारान तत्व को नष्ट करके गया, न उसके प्रति निमित्त नहीं हो सकता, सन्निपात परिभाषा यहाँ रोक देगे, लाभ है यहीं परे दीर्घत्व से, यहीं के प्रति प्राप्त जो दीर्घत्व के प्रति अमुना इस रूप में सन्निपात परिभाषा का प्रयोजन सिद्ध होता है। ना भावो, ना भाव यही दीर्घत्व से निमित्ता, ना भाव जो हो जाता है वह यही निमित्त दीर्घ के प्रति निमित्त नहीं हो सकता। क्वा कहा अमुना इस रूप में, अमुना रूप में क्या हुआ है, ना भावे कृते, ना भाव करने के बाद अतो दीर्घो यही सुपीच इति दीर्घत्वम प्राप्त होती, इन सूत्रों से दीर्घ प्राप्त हो रहा है, वह ना हो क्यों, सन्निपात लक्षण विधि निमित्त विघात स्थिति न दोषो भवती, अपने आप निवृत्त हो जाएगा। अमुना इति प्रदीप नमुना इत्यस्य अर्थः, नमूने सूत्र है उसका ये अर्थ है ना, ने कर्तव्य मु भाव सिद्धो भवति, ना आदेश कर्तव्य में मु भाव को सिद्ध समझना चाहिए, न तू ने, न तू ने परतोपि यद दीर्घतम प्राप्ति तत्र, उस सूत्र ऐसा अर्थ कर दो, इसकी जरूरत नहीं सन्निपात लक्षण परिभाषा लगाने की, मु भाव ना आदेश के प्रति भले ही सिद्ध है किंतु दीर्घ के प्रति वो असिद्ध है, उसी सूत्र शर्त निकाल देंगे, न तो ने परतोपि यद दीर्घत्व तत्प्राप्ति तत्र इति, तथा च तत्र मुभाव से असिद्धत्व
इसे वही सूत्र एक कार्य के प्रति सिद्ध करके अन्य कार्य के प्रति असिद्ध कर दिया। ना करने के लिए सिद्ध है मुंह, बाकी के लिए असिद्ध। तो अपने आप अधिक कार्य होगा नहीं, प्राप्त ही नहीं होगा, समाप्त हो गया। मुंह भाव से असिद्धत्वाद अकारांतत्वाद दीर्घ प्रसंग, तब भी कहेंगे फिर अकारांत अतुदीर्घ करो, फिर सुपिच से नहीं अतुदीर्घ यहीं से कर दूंगा। ततश अमूना इति स्यात्, फिर आ को पहले दीर्घ कर दो, अमा बनेगा फिर आ को ऊ कर देंगे, अधुसूत्र तो महासूत्र से दीर्घ हो जाएगा। तस्मिन कृते अधुसूत्र से दीर्घ से दीर्घ उकार प्राप्त होती, तस्य अमूना इति स्यात् उकारस्य उकार सन्निपात निमित्तस्तु ना भावो दीर्घत्वस्य अनिमित्तमिति सिद्धम अमूना इति। तब हम कहेंगे उकार जो है सन्निपात निमित्त होकर के नाभाव के प्रति मैंने नाभाव को कर देगा, फिर दीर्घत्व के प्रति सन्निपात परिभाषा लग करके दीर्घ होने नहीं देगा, यह हमारा प्रयोजन है। उसे खंडन करता है पूर्व पक्षी, ये तदपि नास्ति प्रयोजनम, यह भी प्रयोजन नहीं हो सकता। क्यों? वक्षत्येतत् न मुटादेशे इति, नमुना सूत्र को हटाकर नमूने सूत्र है वहाँ पर, नमूने को हटा को कर दिया नमुटादेशे सूत्र बनाओ, ऐसे 8-2-3 वाला उस सूत्र में नमूने सूत्र में स्वयं भाष्यकार ने कहा है। और तादेशाय का भी दो अर्थ किया, तायाह स्थाने आदेशे, तायाम बा आदेशे, ऐसे षष्ठी सप्तमी दोनों पक्ष लिया है वहाँ पर। प्रदीप न तो तादेशे थी अनेक विभक्त्यंतस्तत्र समास आश्रित, अनेक विभक्त्यंत तत्र समास आश्रित ताया आदेश, अनेक विभक्ति में भी है एक षष्ठी ताया आदेश तायाम आदेश, अनेक विभक्ति समासिष्ट है वहाँ पर। प्रयोजन वार्तिकम आत्म कित्त उपादास्त, कहते दूसरा हम प्रयोजन दिखाएंगे फिर, क्या प्रयोजन है? आत्म कित्त प्रति दृष्टान्त क्या है? उपादास्त ये रूप है, आत्म कित्त अनिमित्तम स्यात्, आत्म जो है कित्त के प्रति निमित्त नहीं होगा, यदि कित कर देंगे तो ईत हो जाता वहाँ पर, ईत न होवे इसलिए कहना पड़ा। क्वा कहाँ है दृष्टांत, कौन सा है वो? उपादास्त अस्य स्वर शिक्षकस्य, पहले भी ये वाक्य आया है, शिक्षक का जो स्वर है गला है वो बैठ गया है, कमजोर हो गया है, ढीला पड़ गया है, पहले दहाड़ के बोलते रहे, गले में बीमारी हो गई, बेचारा वो रो रो के बोल रहा है, उस जगह में शब्द प्रयोग होता है उपादास्त अस्य स्वर शिक्षक से थी। आत्य कृते प्राप्त किया था स्थागोरिच्छी थी ईत्तम प्राप्त होती, आत्म करने के बाद में स्थागोरिच्छ से ईत्त प्राप्त हो रहा था, सन्निपात लक्षण विदर निमित्तम तिव्यवासी थी न दोष भवती, ईत्त नहीं होगा, सन्निपात परिभाषा का लाभ यह है। उपादास्त थी, उपादास्त रूप कैसे बनता है? उपोपसर्ग पूर्वक क्या लेंगे धातु, दींग धातु भैया, कि दी को गुण हुआ देह हो गया, देह हो गया, देह को आत्म किया, वो आत्म करने से कित हो गया, कित का स्थावर से हित हो रहा है, तार्स कित के प्रति वो आत्म को निमित्त नहीं माना जाएगा। देखो नीचे 7 नंबर टिप्पण में, 7 नंबर मीनाति मीनोति दिंगाम लेपिचा बोले रहे, मीनाति मीनोति दिंगाम लेपिची थी आत्म, उससे आत्म हुआ, स्थागोर इच्छी कित्वस्य निमित्तम न भवति, और वो जो स्थागोर इच्छा से होने कित्व के प्रति, कित्व के प्रति वो कित्त नहीं बनाएगा, वो दींग क्षय धातु है, दींग क्षय इत्यस्माद् उपपूर्वाद् लुंगी एक वचन रूपम अ दी स ता इस अवस्था मीनाति मीनो दींगा लपिच सेवा आत्वा है इति आत्ते दारुपत्ता घुसंज्ञाम प्राप्तम, दारू कौन सी क्या हो गया? घू संज्ञा हो जाएगा, और घू संज्ञा हो जाएगा तो सागर से हित हो जाएगा, वरना हो इसलिए कह दिया सन्निपात परिभाषा लगा दो। तब पूर्व पक्षी कहेगा सन्निपात परिभाषा की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर भी, वो वार्तिक से काम चलेगा, घू संज्ञा होगा ही नहीं, जब घू संज्ञा होगा नित्य प्राप्ति नहीं होगा। प्रदीपा उपादास्ते एज विषय आत्मविधानात् अकित्व सन्निपात निमित्तम आत्मम सागोरिच्छति कित्वस्य अनिमित्तम भवति च चेन इत्यर्थ, च के द्वारा कौन सी च के द्वारा कह रहे हैं? स्थागोरिच्च च के द्वारा, स्थागोरिच्च सूत्र में जो च है वो कहते हैं दोनों को, एज निमित्तक आत्म या अनिनिमित्तक आत्म,
यहाँ जिस स्थल में क्या है अनिमित्तत्व है उसमें भी लागू हो गया। चित्तस्य अनिमित्ता चित्त संयुक्तम च इत्वम इति चित्त भावे न भवति। चित्त संयुक्त ही इत्व होता है और चित्त नहीं हुआ तो इत्व भी नहीं होगा, ये लाभ हो जाएगा। तब पूर्व पक्ष कहते यद्यपि नास्ति प्रयोजनम, यह भी प्रयोजनम नहीं मान सकते। क्यों? उक्तम एतद् दिंग प्रषेध स्थागोरित्वे, स्थागो सूत्र के प्राप्तित्व कार्य के प्रति दिंग को घू संज्ञा नहीं होता, ऐसा आपने निषेध कर दिया है।